हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर अब एल्विश को भी हो गया है प्यार। जी हाँ, खुद कबूली है एल्विश ने ये बात और कहा है अपनी दोस्त मनीषा से कि करवा दे मेरी सेटिंग। किससे सेटिंग करवाने की बात कर रहा है एल्विश और किससे हुआ है उसको प्यार, चलिए हम आपको बताते हैं पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप ज़रूर करें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दें। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के घर के अंदर सुबह सुबह एल्विश और मनीषा बैठकर बातें कर रहे हैं और यहाँ पर ये बातें चल रही हैं कि किससे किसकी सेटिंग कराई जाए। आपको पता ही है कि एल्विश को अविनाश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो अविनाश को एक आंख नहीं अच्छा लगता है और ना ही अविनाश उसको। अब ऐसे में यहाँ पर वो फलक और अविनाश की जोड़ी को तोड़ना चाहता है और ऐसे में वो ये कहता हुआ नज़र आया अपनी दोस्त मनीषा से कि भाई मेरी सेटिंग करा दे, मेरा यहाँ पे प्यार व्यार करवा दे किसी से, मैं हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा बोर। देख, ऐसे में मनीषा ने बोला कि भाई ये तो बता, तुझे करनी किससे है सेटिंग? तो एल्विश ने कहा कि मेरी सेटिंग फलक से करवा दे, मुझे वो अच्छी लगती है, बढ़िया बंदी है। इस पर मनीषा ने कहा कि वो तो ऑलरेडी अविनाश से सेट है। तो साफ साफ कहा एल्विश ने कि नहीं, वो किसी से भी सेट सूट नहीं है, अविनाश तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। और देखिए, मुझसे थोड़ी उम्र में बड़ी ज़रूर है लेकिन मेरे को चलेगा, मुझे बड़ी लड़कियां पसंद है, मज़ा आएगा। तो तभी वहां पर आशिका भी बैठी हुई थी और आशिका ने कहा कि क्या बात कर रहा है तू, पूजा जी की बात कर रहा है क्या? तो इस पर एल्विश ने कहा, देख पसंद तो मुझे पूजा जी भी हैं, बढ़िया बातें करती हैं वो, लेकिन ना वहां तक यार मैं पहुंच नहीं सकता, वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फलक बढ़िया है। ऐसे में मनीषा कहने लगी कि देख मेरा ये सब काम नहीं है, मैं सेटिंग वेटिंग नहीं करवाती घूमती। लेकिन दोस्तों, अब एल्विश को भी घर के अंदर अकेलापन महसूस होने लगा है क्योंकि मनीषा तो अक्सर फुकरे के साथ बिजी रहती है और फुकरा मनीषा के साथ, और ऐसे में एल्विश अकेला बोर होता है। आपको क्या है लगता, क्या करनी चाहिए उसको फलक के साथ सेटिंग? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।